आप तारीख जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, तारीख बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अगर ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में बोर होते हैं, अरे बाप रे तारीख का पीरियड, लेकिन तारीख बहुत आसान शब्दों में देखे जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी, हमारे मतलब जो हमारी ही जो आज ज़िंदगी है उसके पहले की जो है स्टोरी है, कहानी है, तारीख वही है ना। इसलिए तारीख को हम क्या और क्या बोल सकते हैं, कहानी। पहले तो हम लोग ये सेशन कराते हैं मैप ऑफ मुंबई, इस तरह का सेशन। तो ये सेशन भी बच्चों को थोड़ा सा अलग लगता है कि जो सेशन मतलब स्कूल में वो चार्ट्स मैप्स वगैरह भरते हैं, बट उसके अंदर वो ज़्यादातर मतलब शहरों के नामों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर कहाँ पे कौन सी फसलें उगती है, कहाँ पे कौन से कारखाने हैं, कहाँ पे कितनी बारिश, कहाँ पे कम ज़्यादा जरखे ज़मीन वगैरह के बारे में देखते। बट ये सेशन में उनको हम समझाते कि इसके अंदर हमें वो सब चीज़ें नहीं ढूंढनी है, बल्कि हमें अपने दिनचर्या में जो जो लोग मिलते हैं, हमारे रिलेटिव्स है या फिर हमारे घर जो भी हमारे मोहल्ले में जो झाड़ू वाला आता है या धोबी आता है, जो भी जो हमें डे टू डे लेवल पे हमें जो मिलते, हमें उनको यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करनी है। जो बच्चों को थोड़ा सा एक अलग लगता है, लेकिन वो उनमें एक इंटरेस्ट भी आता है। बहुत बार ऐसा भी देखने में आया कि बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ मतलब महाराष्ट्र यहाँ पे ट्रांसफ़र होते, बाहर से आते कहीं दूसरी जगह से, तो फिर उनके भी यहाँ पे भी ज़्यादा रिलेटिव नहीं, उनके से फिर वो एक अकेला बताते हैं कि मैं एक यहाँ पर अकेला, मेरा एक परिवार है, बाकी सब लोग मेरे गांव में। सेकंड को ये भी समझ में आता है कि मुंबई में जगहों के नाम क्या क्या है जो उन्होंने कभी सुना नहीं था, ये सेशन के जरिए उनको समझ में आता है। अरे यहाँ मतलब भाईंदर भी एक जगह का नाम है, दहीसर भी एक जगह का नाम है, ऐसा बांद्रा भी एक जगह है यहाँ पर मुंबई के अंदर। आप वो लोगों के बारे में मतलब ये सिर्फ इनके बारे में नहीं भी, हमारे बारे में भी, हमारे बारे में भी। जैसे आपने कहा तारीख मतलब बीता हुआ पल, आज सुबह जो हुआ क्लास में वो हमारी तारीख बन गई कि नहीं बनी। हाँ, यानी ऐसा नहीं सोचने का तारीख मतलब एकदम पुराना, एकदम से जमाना और उसके बाद कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तारीख मतलब सदियों हजारों साल से लेके आज तक जो भी समय वक्त बीत गया है उसमें जो भी चीज़ें हुई है उसको हम कहानी की तरह देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे हम तारीख कहते हैं। उसके आगे हमारा अगला जो खोज का क्लास है वो है नक्शे के ऊपर। किसके ऊपर है? नक्शा। नक्शा का भी नक्शा क्या, नक्शा का मतलब क्या होता है बताइए, नक्शा मतलब क्या? हाँ बेटा बोलो। इधर उधर की पहचान में। वेरी गुड, शाबाश। हमारे स्कूल में भी आपने ज्योग्राफी में कभी नक्शा पढ़े हैं, नक्शे के बारे में मालूमात ली है? कौन से नक्शे के बारे में? हाँ बेटा बोलो। अफ्रीका का नक्शा आपने देखा है, ठीक है। आप? अमेरिका का नक्शा आपने भी देखा है। और हिंदुस्तान का नक्शा किसी ने देखा? हम कहाँ रहते हैं? हाँ, तो अपने देश भारत का नक्शा किसी ने देखा? हिंदुस्तान का देखा है, देखा है सबने, ठीक है। नक्शे के अंदर अगर कुछ निशान होते हैं, निशान के जरिए बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अगर रेल की पटरियाँ हैं तो उसके लिए मखसूस निशानात होते हैं खास, कि अगर आप रेल की पटरियाँ देख रहे हैं तो ये जो कलर है या ये जो नाम लिए या जो ये निशान बनाए गए, निशानदेही की गई है, वो मखसूस किसी खास चीज़ के लिए, फिर उसमें अलग अलग चीज़ों को बताना। ये कहाँ का नक्शा है पता है? कहाँ का नक्शा है? मुंबई का नक्शा। अच्छा, मुंबई में आपके जो है रिश्तेदार रहते हैं? किसके रिश्तेदार रहते हैं? कौन रहता है मुंबई में? नानी। नानी कहाँ रहती हैं? स्टेशन के पास। कौन से? वीटी। मुंबई के नक्शे में मुख्तलिफ मुकामात पर आपके कौन कौन रिश्तेदार रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो एक समझ बनती है कि कौन कितने डिस्टेंस पे रहता है, कितनी दूरी पे रहता है, हमारे कितने रिश्तेदार हैं जो मुंबई में रहते हैं। आप कभी मुंबई गए हो? सब लोग गए हैं। घूमने की जगह पे गए क्या? कौन सी घूमने की जगह है? हाँ बोलिए बेटा। जो चौपाटी और अलीबाग। अलीबाग घूमने अच्छा लगता है ना, लोग भी आते हैं कपड़ा देने लेने के लिए। तो हमारे दिन हम जो गुजारते हैं उसमें हमारा घर कहाँ है, हमारा स्कूल कहाँ है, हमारे रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, और हमारे दिन में दिन भर में जो भी हमारे रास्ते में हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे कांटेक्ट में आते हैं जो लोग, उनके बारे में मालूमात हमें होनी चाहिए और वो हम मैप के जरिए भी कर सकते हैं। समझ में आया सबको इतना?
ये मुंबई है, ठीक है। इस मुंबई में आप जो नाम बता रहे हो आपको यहाँ पर ढूंढना है, उसके बाद आपके इस मैप में, छोटे से मैप में वो कहाँ आएगा वहाँ पर वो नाम लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है कि मेरी दादी चेंबूर में रहती है, तो चेंबूर कहाँ आता है वो आपको मुंबई के नक्शे में ढूंढ कर आपके नक्शे में, छोटे नक्शे में कहाँ पर वो निशानदही आएगी वहाँ चेंबूर नाम लिखना है। समझ में आया बेटा? हाँ। उसके बाद में ड्राइंग बनाने अच्छा लगता है सबको? हाँ टीचर। तस्वीर बनाने पसंद है ना? हाँ टीचर। तो यहाँ पर हमने तस्वीरें बनाई हैं, कुछ तस्वीरें बनाई हैं। उस तस्वीर में दादा का घर अगर बना रहे हैं आप, तो आप डंडा बना सकते हैं। दादा अक्सर डंडा लेके चलते हैं ना, हाँ, तो डंडा का, दादा का डंडा। फिर नानी का बनाया, तो नानी अक्सर चश्मा लगाती है मेरी तरह तो नानी के लिए आप चश्मे का ड्राइंग भी, तस्वीर बना सकते हो। अपने परिवार का इतिहास पता करना होता है इसमें, जिसमें हम लोग जब जाते हैं क्लास में, तो पहले हम अपना खुद का एक इतिहास बताते हैं बच्चों को कि मेरा नाम क्या है, मेरे जो पूर्वज थे वो कौन थे, वो कहाँ रहते थे, किस तरह का उनकी जीवन शैली कैसी थी, मतलब किस तरह का वो जीवन गुजारते थे। आज जो हमें जो फैसिलिटी है, क्या वो उस ज़माने के अंदर फैसिलिटी उस तरह की थी? तो उसके ज़रिए बच्चे भी फिर अपने घर जाके वो छानबीन निकालने की कोशिश करते कि हाँ, हमारे भी पूर्वज कौन थे, वो उनकी जीवन शैली किस तरह की, किस तरह से। तो इसके अंदर भी बच्चे बहुत बार अपने फैमिलीज़ के बारे में लिखते हैं कि हमारे पूर्वज, मोस्ट ऑफ ऐसा भी हमारे देखने में आया है कि उनके पूर्वज कौन थे उन्हें वही नहीं पता होता है। हमारे दादा वगैरह कौन थे, उनके नाम क्या थे, हमें कुछ उसके बारे में पता है, हमारे पापा के बारे में और हमारे आज की जो फैमिली है उसके बारे में पता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी मतलब एक ही पीढ़ी पता होती है, हमारे दादा और उसके बाद हमारे पापा, इतना ही पता होता है। इस सेशन के जरिए उन्हें ये भी एक उनके अंदर जानकारी का इजाफा होता है, जो क्लास टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि ये तो एक नया, मतलब नई चीज़ है, हमने भी कभी इस तरह का नहीं करे, तो उनको भी थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट आता है। उसी तरह से फिर मुंबई का इतिहास, जिसमें हम बताते हैं कि मुंबई जो शहर है वो पहले कैसा था, यहाँ पे कौन से जो रहवासी थे वो पहले कौन थे। तो ये देखा गया है कि क्लास टीचर को भी नहीं पता होता कि मुंबई का इतिहास एक्चुअल में क्या है, तो वो भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि जो भी खोज के ज़रिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एक कॉपी के अंदर लिख के रखे, क्योंकि एक ऐसी जानकारी है जो हमने इतना पढ़ लिए, हमने DED किए, सब किए, लेकिन आज तक हमें भी नहीं पता थी। वो खोज के ज़रिए हमें पता चली कि मुंबई में पहले रहवासी कौन थे। बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं खोज के हिसाब से, क्योंकि उनको थोड़ा जनरल नॉलेज मिलता है और उनको पता चला कि ये खोज जो है वो कौन से मकसद के तहत उनको सिखाया जा रहा है। हमारे समाज के मुताबिक भी वो लोग मालूमात हासिल करते हैं, अपने आप को भी समझते हैं और माहौल को समझते हैं,